सभी श्याम प्रेम भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आप सभी के काफी ज्यादा संख्या में कमेंट्स, मैसेज और फोन आए हैं कि निशान यात्रा कब करें, कहां से करें, कैसे करें, नियम क्या है, घर से बाबा के लिए क्या भोग लेकर जाएं। आप सभी के ये सवाल आए हैं लक्खी मेले को देखते हुए। तो आज इस एक वीडियो में पूरे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। इसके बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। किसी भी एक बात को दोबारा तीन बार रिपीट करके वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है, ध्यान से देखना और जो बताया गया है फिर वो अप्लाई कर देना, आपका काम बन जाएगा। सबसे पहले कि निशान यात्रा कहां से करें या फिर कौन से मंदिर जाएं। देखिए, आप लोगों के मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि हमें खाटू बाबा की यात्रा करनी है। देखिए, इस बात को ध्यान से समझिए, खाटू बाबा कोई नहीं है, पूरी दुनिया में कोई खाटू बाबा नहीं है, पूरी दुनिया में कोई खाटू श्याम नहीं है। खाटू राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटा सा गांव है जहां बाबा श्याम की शीश स्वरूप पूजा होती है, केवल इतना ही है। वहां शीश स्वरूप बाबा श्याम प्रकट हुए हैं तो उसको खाटू धाम बोला जाने लगा, और जिन लोगों को पूरी जानकारी नहीं है उन्होंने खाटू श्याम नाम ऐड कर दिया, इसलिए उसे हम खाटू श्याम भी बोलते हैं। बाकी उसका नाम खाटू श्याम नहीं है, उनका नाम बाबा श्याम है, और वो खाटू जगह पर प्रकट हुए हैं, एक गांव में प्रकट हुए हैं, इसलिए उसको खाटू धाम बोलते हैं। क्लियर? सबसे पहले मान के चलो आपकी जेब में केवल 100 रुपए हैं और मैं बोलूं 1000 रुपए की, तो 900 रुपए अगर आप किसी से लेकर आए हो तो आपने कर्जा उठाया है, ये गलत बात है। जहां भी बैठे हो वहीं से गूगल की सहायता लेकर सर्च करो कि बाबा श्याम का मंदिर आपके आसपास कहाँ है, वही आपके लिए खाटू धाम हो जाएगा। घबराइए नहीं, हर जगह मेरे श्याम मौजूद हैं, घबराइए नहीं। और जिन लोगों के मन में सिर्फ यही है कि हमें तो जाना ही वहां है, वो आपकी मर्जी है, मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप बिल्कुल जा सकते हो। सबसे पहले देखिए कि आपके आसपास मंदिर कहाँ है। अगर फॉर एग्जाम्पल बताऊं, जो जयपुर के आसपास के हैं वो श्रीधाम खाटू जा सकते हैं, रिंगस धाम जा सकते हैं, जो दिल्ली एनसीआर के आसपास से हैं, यूपी साइड से हैं, वो पानी हरियाणा के पानीपत के चुलकाना धाम जा सकते हैं। चुलकाना धाम जहां बाबा ने शीश का दान दिया था, जहां बरबरीक से बाबा श्याम बने थे, वो सबसे बड़ा और सबसे पहला धाम चुलकाना धाम है। ठीक है, जो प्रेमी यहाँ हिसार साइड के आसपास से हैं, हरियाणा हिसार के आसपास हैं, हिसार में बाबा के दो धाम है, गांव शहड़वा जहां बाबा ने अपनी धड़ को विराजमान करवाया, जहां बाबा के धड़ स्वरूप दर्शन होते हैं, और एक बीड़ बरबरान जहां बाबा युद्ध से पहले, शीश दान से पहले एक रात रुके थे, इसलिए उसको बीड़ बरबरान बोला जाने लगा। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लाइव लोकेशन मिल जाएगी सभी को, आप वहां जा सकते हो। बाकी आप गूगल की सहायता लेकर अपने आसपास के किसी मंदिर को सर्च कर सकते हो। अब निशान कहां से उठाएं? देखिए, अगर आप अपने घर से निशान बनाते हो, खुद अपने हाथों से निशान बनाते हो, इससे अच्छी तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबसे ज्यादा सेवा जो लगती है वो तन की सेवा लगती है। जो प्रेमी तन की सेवा करते हैं उससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती दुनिया में। क्लियर? तो पहले घर पर ही निशान बनाइए, आप अपने हाथों से निशान बनाइए या किसी परिवार के सदस्य से निशान बनवाइए, उसको भी उतना ही फल मिलेगा जितना यात्रा करने वाले को मिलेगा। अब ये यात्रा कैसे करनी है, जैसे कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमें घर से ही पैदल यात्रा करनी है लेकिन हम हमारा शरीर साथ नहीं देता, हम नहीं जा सकते, तो क्या करना होगा? आप बस द्वारा, ट्रेन द्वारा, जैसे भी जा रहे हो उस निशान को हाथ में लेकर खड़े हो जाओ, बैठना मत, खड़े हो जाओ और पहुंच जाओ बाबा के धाम। जहां भी आप जाना चाहते हो वहां तक पहुंच जाओ बस में खड़े होकर। अब मान के चलो आप किसी भी धाम जा रहे हो, वो आपसे कितनी दूरी पर होगा? 10 घंटे, 15 घंटे, ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन 10 घंटे आप खड़े रह सकते हो, क्योंकि आपके हाथों में जो निशान है वो शक्ति आपको सोने नहीं देगी। घबराइए नहीं, आप बस एक बार आप चलने का मन बनाओ, आगे चलने का काम मेरे श्याम का होगा। ठीक है, घबराइए नहीं। अब घर से क्या सामान लेकर जाएं, सारी बातें बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले आप चूरमे का भोग बनाइए बाबा के लिए, मूंग चावलों की खिचड़ी बना सकते हो, बाजरे की खिचड़ी बना सकते हो, क्योंकि जो भोजन हम घर से लेकर जाते हैं ना उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आगे आपको प्रसाद वगैरह लेने की कोई आवश्यकता नहीं, ये नहीं कि बाबा 56 भोग से रिझेंगे, अरे नहीं मेरे भाई, वो तो तेरे हाथ का चूरमा बस। अब कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि हमें वहां तक जाने में 10 घंटे 15 घंटे लगेंगे, तब तक ये चूरमे का या खिचड़ी का भोग बासी तो नहीं होगा? एक बात बताऊं, जिस समय आप भोजन तैयार कर रहे होगे और बोलोगे कि ये भोजन मेरे श्याम के लिए है, मेरे श्याम आपसे भी ज्यादा जल्दी करेंगे कि बस जल्दी से फटाफट ये प्रेमी मेरे पास आ जाए, मंदिर में आ जाए, ताकि मैं ये भोग ग्रहण कर सकूं। आपसे ज्यादा जल्दी मेरे श्याम को है, आपको उड़ा कर ले जाएंगे, वो 100% गारंटी है, यकीन मानिए इस बात का। आप घबराइए नहीं, कभी बासी नहीं होगा, भगवान अवश्य भोग लगाएंगे आपके भोजन का, भगवान भोग लगाएंगे कन्फर्म। दूसरी बात,
निशान की पूजा कैसे करनी है। अगर आप घर पे ही हो, घर से ही निशान लेकर जा रहे हो बाबा के धाम पर, तो जहां आपका पूजा स्थान है, मंदिर है, जहां आपका घर में ही, वहां बैठ जाइए, निशान को रखिए, उस भोजन को रखिए। ध्यान रहे समर्पित नहीं करना है, केवल रखना है, क्योंकि लेकर आप मंदिर में जा रहे हो, धाम पर जा रहे हो, ठीक है। दीप जलाइए, धूप जलाइए, बाबा की आरती करिए, चालीसा करिए, और फिर हाथ जोड़कर कहिए कि ये निशान यात्रा हम इस कारण कर रहे हैं। जो भी आपकी बात है, जो भी आपकी मन्नत है, जो भी आपकी परेशानी है, मनोकामना है, बता दीजिए बाबा श्याम को कि जैसे ही हमारी यह निशान यात्रा पूरी हो, उसी प्रकार हमारी मनोकामना भी पूरी हो जानी चाहिए। आगे बाबा जाने, बाबा का काम जाने, घबराइए नहीं। कुछ प्रेमी ऐसे भी हैं जिनको बाबा ने अभी तक इतना सक्षम नहीं बनाया है कि वो ये सब चीजें कर सकें। हाथ जोड़कर बैठ जाइए, अगर सामने तस्वीर भी नहीं है तो भी बैठ जाइए। दीपक नहीं जला सकते मत जलाइए, बस एक बात बोलिए बाबा को कि तेरी निशान यात्रा शुरू की है, जैसे ही निशान यात्रा पूरी हो जाए हमारी ये परेशानियां भी पूरी हो जाएं, हमारी मनोकामना भी पूरी हो जाएं। बाबा श्याम चाहे जैसे भी हैं, तेरे हैं, अगर दोबारा कोई भी परेशानी हमारे सामने आती है तो उसके जिम्मेवार हम नहीं, खुद आप होगे। बस ऐसा कहकर निशान यात्रा शुरू कर दीजिए। अब जो प्रेमी श्रीधाम रिंगस से श्रीधाम खाटू तक जाना चाहते हैं, पैदल निशान यात्रा करना चाहते हैं, वो सुने, आपको रिंगस धाम में निशान भवन मिल जाएगा, वहां पर आप स्नान आदि कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी, वहां से आपको निशान भी मिल जाएंगे। अपनी योग्यता अनुसार निशान उठाइए, जो भी आप कर सकते हो वही करिए, ये नहीं कि आपको निशान सिर्फ 100 रुपए वाला लेना है लेकिन आप किसी को दिखावे में या किसी मजबूरी में 1000 रुपए वाला उठाते हो, ये गलत बात है, बाबा श्याम स्वीकार नहीं करेंगे उस चीज को। ध्यान रहे जो आप कर सकते हो वही करिए, निशान उठाइए। मान के चलो 2-4 प्रेमी हैं, आप किसी एक प्रेमी को सारे निशान दे दीजिए, एक प्रेमी फिर धूप जलाइए, क्योंकि आप वहां दीपक नहीं जला सकते, इतना समय नहीं मिलेगा आपको, वहां धूप जलाइए और बाबा की आरती करिए, केवल आरती। जो प्रेमी और पास में खड़े हैं, चाहे एक हैं, दो हैं, 10 हैं, 1000 हैं, बाबा की हाथ जोड़कर प्रार्थना करें या तालियों से सेवा करें, आप 1 मिनट में बाबा की आरती पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओम जय श्री श्याम रे बाबा, जय श्री श्याम रे, बिल्कुल पढ़ सकते हो, क्योंकि वहां समय कम मिलेगा, समझ सकते हो इस बात को। पूरी आरती करें और फिर बाबा को सभी हाथ जोड़कर मन मन में पहले अपना नाम बोलें, फिर अपना सरनेम बोलें, और फिर अपनी परेशानी बताएं और बोल दें कि अब हमारी जिम्मेवारी खत्म, आपकी जिम्मेवारी शुरू, और निशान यात्रा शुरू कर दें, और बोल दें कि जैसे निशान यात्रा पूरी होगी हमारी मनोकामना भी पूरी होनी चाहिए, उसी समय चल पड़े। 1000% लिख कर देने के लिए तैयार हूं, जब चलोगे ना वहां से पैदल पैदल, चाहे नंगे पांव हो चाहे कैसे भी हो, वो पहले थोड़ी सी परीक्षा लेगा, पहले थोड़ी सी परीक्षा लेगा, वो इतना परेशान कर देगा कि आपको लगेगा यार ये कैसे हो रहा है। लेकिन याद रहे, चाहे हाथों में निशान हो, हाथ पूरे ऊपर उठा दो और बोल दो मैं थोड़ी चल रहा हूं, मैं तो मेरे श्याम की गोद में बैठा हूं, ये 2 पांव जो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं ये मेरे नहीं, ये मेरे श्याम के हैं। बस इतना बोलना होगा, चाहे कहीं से भी आना हो वो आकर तेरा हाथ पकड़ लेंगे, लिख कर देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब बात यहां से निकलेगी, यहां से नहीं, यहां से अंदर से टूट कर वो आ जाएगा। जैसे ही चलते चलते तोरण द्वार तक पहुंचोगे, याद रहे तोरण द्वार किस चीज को बोलते हैं, जो किसी भी मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार होता है उसे तोरण द्वार बोलते हैं। ये नहीं कि जो खाटू में है वही तोरण द्वार है, नहीं, जो किसी भी मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है वो तोरण द्वार होता है। वहां जाकर साष्टांग दंडवत लेट जाओ बाबा के श्री चरणों में और बोल दो अहो भाग्य, यहां तक आपने पहुंचाया, इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। वहां से चल पड़िए फिर आगे। ये बात हम आपको श्रीधाम खाटू की बता रहे हैं, आप किसी भी मंदिर में सेम यही काम कर सकते हो, किसी भी धाम पर आप सेम यही काम कर सकते हो जो आपको बता रहे हैं। फिर आगे चलकर आपको सबसे पहले प्राचीन श्याम कुंड जाना होगा, फिर आलू सिंह महाराज के दर्शन करने होंगे, कंपलसरी है, क्योंकि उनके दर्शनों के बाबा श्याम ने श्री आलू सिंह महाराज को वचन दे रखा है कि जो तेरे दर्शन नहीं करेगा उसकी यात्रा मैं कभी संपूर्ण मानूंगा ही नहीं। पहले आलू सिंह महाराज के दर्शन करो, श्री श्याम बहादुर जी के दर्शन करो, उनको प्रणाम करो और उनसे प्रार्थना करो कि अपने पैरों की जो रज है, जो मिट्टी है, उस मिट्टी के एक कण का करोड़वा हिस्सा हमें, ये नहीं कहना दे दो, नहीं, हमें केवल स्पर्श करने दो ताकि हम भी आपकी तरह, देखा होगा ना आपने लिखा है श्यामलीन भगत शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज श्री श्याम बहादुर सिंह जी, लिखा देखा होगा ना आपने। वहां से फिर लाइन में लगिए और चलते रहिए,
लाइन में लगकर बाबा के जयकारे लगाते हुए वहां आसपास ध्यान से देखना, आपको दो व्यक्ति ऐसे दिखाई देंगे जो सिर्फ आपकी तरफ देखते हुए मिलेंगे। कौन दो? त्रिभुवनपति भगवान शिव और वीर शिरोमणि भगत शिरोमणि ज्ञान शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज। अगर आपने ध्वजा उठाई है, निशान उठाया है, तो उन्होंने भी निशान उठाया हुआ मिलेगा और वो केवल आपकी तरफ देखते हुए मिलेंगे। ऐसे रूप में मिलेंगे, आप उनके चेहरे का तेज समझ नहीं पाओगे। इतना तेजस्वी चेहरा होगा कि देखते ही लगेगा कि बस जो कुछ है यही है, इनके अलावा कुछ नहीं है। दोनों के दोनों रसिक हैं, आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे। आप चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे। जैसे ही 13 सीढ़ियों के नजदीक पहुंचोगे, आपको अंदर जाने की आवश्यकता नहीं, मेरा श्याम अंदर से बाहर खींचा चला आएगा कि ऐसा कौन आया है, ऐसा कौन आया है जिसके साथ त्रिभुवनपति भगवान शिव और मेरे हनुमान जी महाराज मेरे दर्शनों के लिए आए हैं। और जब वो खुद आए हैं तो बाबा श्याम अंदर से बाहर खींचे चले आएंगे और सबसे पहले वो हनुमान जी महाराज को या भगवान शिव को प्रणाम नहीं करेंगे, उस प्रेमी को प्रणाम करेंगे जिसके कारण उनके आराध्य देव, उनके भगवान जिनकी वो दिन रात पूजा करते हैं, वो उसके दर्शनों के लिए आए हैं। बाबा श्याम बाहर निकलकर आपको प्रणाम करेंगे। अतिशोक्ति नहीं है ये सच्चाई है, कोई बदल नहीं सकता इस सच्चाई को। और अगर कोई ये बोले कि ये झूठ बोल रहा है, मेरे सामने खड़े कर देना उसको, एक एक बात का लाइव दर्शन करवाऊंगा। उस चीज को महसूस की है, ये चीजें महसूस करने की हैं ये चीजें। खुद बाबा श्याम आपको प्रणाम करेंगे। और एक बात बताइए, जिसके लिए खुद भगवान अंदर से बाहर निकल कर आए हैं, क्या दुनिया की कोई ऐसी वस्तु है कि आप मांगो और वो देना दे? मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और सच बताऊं वो मांगने देगा भी नहीं। आपको प्रणाम करेंगे, वहां त्रिभुवनपति भगवान शिव और हनुमान जी महाराज आपके साथ मिलकर बाबा श्याम के, राधा कृष्ण के और स्वयं श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करेंगे। उस समय जब आपकी आंखें बाबा से मिलेंगी, अरे देखो ना देखो बाबा को, लेकिन आपका मंदिर जाना सफल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप चाहे बाबा को देखो या ना देखो, भीड़ के कारण आपके दर्शन हो या ना हो, लेकिन बाबा ने आपको देख लिया। 1000% गारंटी देता हूं, बाबा ने आपको देख लिया। जैसे ही बाबा के सामने खड़े हो गए, रो दोगे, ये आंखें रो पड़ेंगी, आंखों से आंसू बहने लगेंगे। जैसे ही श्याम को देखोगे, छल लिया है, छल लेगा। क्या छल लेगा? आज तक तूने जितने भी गंदे कर्म किए थे वो छल लेगा, वो चोरी कर लेगा, तेरे दुष्कर्मों को खत्म कर देगा, उसी समय तुझे निष्पाप कर देगा, केवल उस बच्चे की तरह जो अभी अभी पैदा हुआ है, उस बच्चे की तरह निष्पाप कर देगा तुझे। जैसे ही दर्शन होंगे, भूल जाएगा सब कुछ, क्या मांगने आया था, भूल जाएगा सब कुछ। आंखों से आंसू निकलकर वो नीचे नहीं गिरने देगा, अपने हाथों की हथेलियों पर रख लेगा। और ध्यान से देखना, जहां मेरे श्याम बैठे होते हैं उनके सर पर एक मुकुट है, मुकुट के ऊपर एक मोरपंख है। वो मोरपंख कोई और नहीं, वो आप हो। भगवान ने कहा है ये मोरपंख कोई और नहीं है, मेरे भक्त हैं। दुनिया कहती है बाबा हमने अपने चरणों में रख ले, मेरे श्याम कहते हैं कि चरणों में नहीं, चरणों में नहीं, यहां विराजमान हो। अपने से भी ऊंचा स्थान दे रखा है मेरे श्याम ने आप सभी को। कितने भाग्यशाली हो आप कि आपको उनके दर्शनों का सौभाग्य मिला है, जो भगवान अपने से भी ऊंचा स्थान अपने प्रेमियों को देते, अपने भक्तों को देते। निशान मंदिर के सेवादार जहां भी आपसे ले, दे दो उनको। ये मत सोचो कि आगे ले जाए, ये करें वो करें, नहीं, दे दो। आपकी यात्रा पूरी हुई, दर्शन करो बाबा के, बाहर आओ धाम से। और एक ही बात बोलो बाहर खड़े होकर, क्योंकि अंदर खड़े होकर वो दर्शन इतना समय नहीं देंगे आपको। बाहर खड़े होकर एक ही बात बोलो, अब अगर इसके बाद भी मेरी परेशानी रही तो धिक्कार है तेरी प्रभुताई पर, धिक्कार है तेरी लखदातारी पर, अगर आज भी मेरी झोली खाली रही। बोलना सच में ये बात, ये मत समझना कि हम भगवान को ये क्या बोल रहे, बोलना अंदर से टूट कर बिखर कर बोलना कि अगर आज भी मेरी झोली खाली गई, आज भी मैं यहां से खाली गया, तो धिक्कार है तेरी लखदातारी पर, धिक्कार है तेरी खुददारी पर, दोबारा तुझसे कभी मांगने नहीं आऊंगा। और तू क्या देगा मुझे, तू खुद भिखारी है, ये बातें बोल देना ये, लेकिन बोलना वही जो सच में परेशान हो। इस तरह से आपकी यात्रा संपूर्ण हुई, और जो आज तक आपको नहीं मिला मेरे श्याम तुरंत दे देंगे, उसी समय दे देंगे, कोई नहीं रोक सकता। जो जितनी सच्ची भावना के साथ वहां पहुंचा है, उतना ही जल्दी उसको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। आपकी यहाँ यात्रा संपूर्ण होती है। अन्य प्रेमियों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी कोई गलती किए बगैर आसानी से कम खर्च में बाबा की संपूर्ण यात्रा कर सकें। जय श्री श्याम।